नमस्ते आप सभी को, आज है संडे और आज संडे को मैं सुबह मैंने सोचा आज फुर्सत है तो वो छत पे हो जाए। जैसे मैं छत पे गई तो मैंने देखा दोनों बंदर पहले से ही विराजमान हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, उनसे कहा यार बंदरों को भगा दो। तो बंदरों को ये भगा रहे हैं तो ये बंदर सामने वाले घर की तरफ छलांग लगा लिए और एक बंदर को इतनी नींद आ रही थी कि वहीं जाके सो गया। लग रहा है जैसे अपना ही संडे इंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल मैं अपने छत पे थोड़ा टहलने को निकली। छत पे आजकल बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, पौधे बहुत अच्छे फ्लावरिंग वगैरह दे रहे हैं। तो बोगनवेलिया के दोनों फूल जो हैं ये बीच में और ये वाइट में, ये तो बहुत ही अच्छे निकल रहे हैं। और मोगरे में भी आजकल बहुत कलियाँ आई हुई हैं, इसमें कई बार कलियाँ आ चुकी हैं और मतलब हर बार अच्छे फ्लावरिंग हो रही है इसमें। इसका सीक्रेट मैं कभी आपको मैं किसी और ब्लॉग में बताऊँगी कि इतने मोगरे में ज़्यादा फ्लावरिंग हम कैसे पाएँ। और देखिए कितनी सारी बर्ड्स आई हुई हैं एक साथ। और गुलाब अभी थोड़ी गर्मी की वजह से थोड़े से ज़्यादा अच्छे हालत में नहीं चल रहे हैं। ये वाला जो गुलाब है ये इसको कश्मीरी से कहते हैं, कश्मीरी गुलाब कहते हैं इसे। उसमें एक साथ काफ़ी गुच्छों में फूल आते हैं। और ये पीला गुलाब देख रहे हैं ये छोटा नहीं निकला है, इसकी असल ये एक तरह से कि वही ब्रीड है ये छोटे में निकलने की। और ये एक मेरा पौधा है इसमें भी अच्छी फ्लावरिंग आती है। और सुबह सुबह छत पे जाओ तो फूलों की महक, मोगरे की खास तौर से मोगरे की फूलों की महक छत पे भी महक जाती है। और सुबह सुबह चिड़ियाँ और अच्छा मौसम दिल को खुश कर देता है। और ये बंदरों की सुस्ती का आलम, ये दोनों बंदर लग रहा है बेस्ट बडीज हैं, ये साथ साथ ही रहते हैं, जब भी इनको देखो। और ये मेरा स्टार जैस्मिन का पौधा है, ये एक मोगरे की ही वैरायटी होती है। और इसमें थोड़े से स्पेंट फ्लावर लगे थे तो मैं साथ ही इन्हें पिंच करती हुई चल रही हूँ। और मेरा एक रात की रानी का पौधा है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी उसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। साथ से साथ पिंच करने से ये होता है कि पौधे की हेल्थ जो होती है अच्छी रहती है। ये है देखिए मेरी रात की रानी का पौधा, काफ़ी सारे कलियाँ एक साथ आई हुई हैं इसमें। इसका भी सीक्रेट मैं आपको किसी और ब्लॉग में बताऊंगी क्योंकि ब्लॉग ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा। और ये मेरा अंजीर का पौधा है, इसमें कई सारी फ्रूटिंग आई हुई है। अभी तक मैंने इसको हार्वेस्ट नहीं किया है, अभी इसकी हार्वेस्टिंग पहली टाइम होगी। अभी इसके फ्रूट जब मैच्योर हो जाएंगे तब मैं हार्वेस्ट करूँगी तो आपको ब्लॉग में दिखाऊँगी। और ये मेरा मौसमी का पौधा है, इसमें भी हार्वेस्ट मैं कई बार कर चुकी हूँ और इस टाइम इसमें सिर्फ एक ही फ्रूट लगा हुआ है। और सामने बंदरों का तब तक गैंग वॉर हो गया है, दोनों बंदरों को लड़ने के लिए तीसरा बंदर आ गया है, सब बंदर भाग खड़े हुए। और अब वक्त हो गया था नाश्ते की प्रिपरेशन का, तो मैं नीचे आ गई। और नीचे आके मैंने किचन की जो मैंने कल सफाई की थी किचन गैस स्टोव की, वो मैंने ये प्लेट्स वगैरह सब अरेंज कर रही हूँ। और अब होगी नाश्ते की तैयारी। आज नाश्ते में बना रही हूँ ग्रिल वेज सैंडविच, बिल्कुल बॉम्बे स्टाइल जो होता है ग्रिल वेज सैंडविच। तो उसके लिए सबसे पहले चटनी को प्रिपरेशन करनी है हमें। धनिया पुदीने की चटनी मैं बनाऊँगी। धनिया पुदीने की चटनी के लिए आप धनिया और पुदीने को अच्छे से साफ़ करके अब उसे ये मिक्सी वाले जार में आपको रख लेना है। फिर धनिया पुदीना डालिए, उसमें हरी मिर्चा डालिए, हरी मिर्चा अपने हिसाब से डालिएगा, जैसे आपको पसंद हो तीखा जितना आप खाते हैं उस हिसाब से डालिए। मैंने चार यहाँ ली हैं क्योंकि मिर्चें जो थी ज़्यादा तीखी नहीं थी। और उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे हम, थोड़ा सा आमचूर, सादा नमक जो हम लोग कहते हैं नॉर्मल नमक जो होता है, सफ़ेद नमक और थोड़ा काला नमक, और नींबू एक नींबू का रस डाल देंगे और थोड़ा सा पानी इसको पीसने के लिए। और धनिया की चटनी बन जाएगी, इसके बाद हम आगे की सैंडविच बनाने की प्रिपरेशन करेंगे। तो सैंडविच प्रिपेयर करने के लिए मुझे एक उबले आलू की ज़रूरत थी। अब एक उबले आलू को बनाने के लिए पूरा कुकर यूज़ करना तो बिल्कुल वर्थलेस था। तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक लगाई, मैंने आलू को छोटा काट के उसमें एक बाउल में रख के उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और पानी डाल के उसे माइक्रोवेव कर दिया मैंने 4 मिनट के लिए। और 4 मिनट के बाद ही आलू पूरी तरह से उबल गया। और अब इसका हम आलू का जो है मसाला प्रिपेयर करेंगे। आलू पूरी तरह से उबल गया है, एक तरह से टाइम सेविंग हैक ही है ये। मैंने अपने हिसाब से ये निकाला क्योंकि ऑफिस जाने टाइम बहुत देर होती है तो ये छोटे मोटे हैक्स जो होते हैं काम आ जाते हैं। आलू का मसाला तैयार करने के लिए आलूओं को अब मैं बाउल में खाली कर लिया, इसमें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा प्याज मैं काट के डालूंगी
और उसमें और कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा चाट मसाला और हल्का सा नमक डालना है, क्योंकि नमक जो है चटनी और बाकी चीज़ों में भी होगा ही, इसलिए नमक ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। और इसको अच्छे से मिला लीजिए आप, और अब हम सैंडविच की प्रिपरेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। सैंडविच की प्रिपरेशन के लिए पहले ब्रेड स्लाइसेस पे मैंने चटनी को एक लेयर लगा ली है अच्छे से, ऐसे ही दोनों में कर लेना है। और फिर उस पर रखना है अपने आलू की, जो है आपने मसाला तैयार किया है वो आलू का मसाला अच्छे से रखिए। अब इसमें अपना हिसाब से जो आपको पसंद हो, मैंने मेरे पास यहाँ पे खीरा और टमाटर था, तो मैं खीरा और टमाटर लगाया है। खीरा टमाटर मैंने सिर्फ एक ही में लगाया, मेरे हस्बैंड को खीरा और टमाटर पसंद नहीं है तो मैंने उनके में नहीं लगाया है। और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा मेयोनीज़, और मेयोनीज़ डाल के इसमें एक एक ब्रेड ऊपर से लगा के अब इसको सेकेंगे। सेकने के लिए मैं गैस पे तवा रख के उसमें हल्का सा बटर डाल के गर्म कर दिया है। उसमें ब्रेड का जो मैं सैंडविच बनाया है वो रख देंगे। अब इस पर एक प्लेट रख के मैंने थोड़ा सा भारी वज़न रख दिया है। यहाँ पे मैंने ये खरल जो है मेरा मसाला पीसने का, ये मैंने रखा है। इसके अलावा आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी भारी चीज़, जैसे ना थोड़ा दब के अच्छे से जो होता है करारा सा सिक जाता है सैंडविच। मेरे पास टोस्टर भी है, लेकिन मैंने एक अल्टरनेटिव की तरह पर मुझे आपको ये दिखाना था, इसलिए मैंने आज इस पर ही सेका है। देखिए कितना करारा बना है, कितनी क्रिस्प साउंड आ रहा है। इसको काट लेंगे और ऐसे ही हम दूसरा बना लेंगे। उधर मेरी चाय भी पूरी तरह से प्रिपेयर हो गई थी, और अब हम लोग नाश्ता करेंगे और फिर मिलते हैं आपको। मैं मिलूँगी अब दोपहर में आपको। और आज दोपहर में बन रही है लौकी की मसाले वाली सब्जी, थोड़े से चावल। आज मैं लौकी की सब्जी जो है बिल्कुल अपनी दादी के स्टाइल में बना रही हूँ। मेरी दादी बिल्कुल ऐसे ही बनाती थी, वो सिलबट्टे पे मसाला जो पीसना होता है। अब सिलबट्टे वाला तो ट्रेंड रहा नहीं, तो मैं आज मिक्सी में ही किया है। इसके लिए मैंने प्याज टमाटर को मिक्सिंग जार में डाल के प्याज टमाटर अदरक लहसुन, और उसी में मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया और मिर्चा पाउडर धनिया, इन सबको थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया। और यही मैंने कुकर में थोड़ा तेल डाल के मुझे चटका के मसाला डाल दिया है। मसाला भुन जाने पर आप इसमें लौकी को मिलाइए और अपने हिसाब से पानी रखिए, और इसमें सीटी कुकर लगा का ढक्कन लगा के सीटी लगा देनी है। सीटी आप मुश्किल से 4 से 6 जैसा लौकी के हिसाब से आप लगा लो, और ये बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। बिना ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं होते, बेसिक से मसाले, बहुत स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है इसकी। मेरे हस्बैंड भी पहले लौकी नहीं खाते थे, लेकिन ये सब्ज़ी गिफ्ट में ट्राई की तब से बहुत खाते हैं, पसंद आने लगी उन्हें लौकी। और मैंने थाली अपनी सजा लिया, मैंने बूंदी का रायता भी बनाया था थोड़ा सा इसमें। और शाम को हम लोग विशाल मेगा मार्ट घूमने गए थे, मुझे थोड़ा सा सामान जो लेना था वो सब देखने के लिए हम लोग यहाँ गए थे। और काफ़ी सही कलेक्शन अभी आया हुआ है क्रॉकरी वगैरह का और घर की छोटी मोटी सामान का, तो हम लोग बस वही सब देख रहे हैं क्या लेना है क्या है। और डिस्काउंट भी काफ़ी अच्छा चल रहा था, आप पीली बिकते हैं तो यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट जाके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा में तमान आया हुआ है। तो मैं कह रही हूँ कितनी गर्मी हुई, भागो भागो यहाँ से। हम लोग लौट के आए, रात हो गई थी, रात में हम लोग यहाँ डोसा खाने के लिए रुक गए। ये डोसा ही अशोक कॉलोनी वाली, आप अगर पीली बिकते हैं तो अशोक कॉलोनी वाली लाइन पर ही लगाते हैं भैया डोसा वाले। इनका ये आप देख लो इन भैया को, इन वाले भैया के यहाँ डोसे सबसे बेस्ट मिलते हैं। और ये भैया के नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उनके डोसे का बिल्कुल बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। यहाँ बाकी डोसों वालों की तरह नहीं आता है, बहुत सही डोसा देते हैं, बिल्कुल क्वालिटी के साथ, बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया डोसा होता है इनका। और तो मैं घर आ गई, और फिर यही था मेरा आज का दिन। और आपको कैसा लगा ब्लॉग मुझे बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ओके बाय।